अगर आप लोग स्टोरी वीडियोस पे काम करते हो और आपके स्टोरी वीडियोस पे व्यूज नहीं आते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप लोग जब अपने स्टोरी वीडियोस को अपलोड करते हो तो वहां पे कुछ गलतियां कर देते हो, जिस वजह से आपके स्टोरी वीडियोस पे व्यूज नहीं आता। तो क्या क्या गलतियां नहीं करनी है और कैसे आपको अपने स्टोरी वीडियो को अपलोड करना है, सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो पे प्रॉपर स्टेप्स के साथ सिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। इस वीडियो पे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको अपने स्टोरी वीडियो अपलोड करते समय टाइटल लिखना, किस तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन लगाना, किस तरीके से आपको हैशटैग लगाना और किस तरीके से आपको टैग्स लगाना है, ताकि आपका वीडियो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जाए और आपके स्टोरी वीडियोस पे अच्छे व्यूज आ सके। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी वीडियो को सही तरीके से अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नोटपैड के अंदर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग्स और टैग्स रेडी कर लेना है। और अगर आप लोग को ये चीज रेडी करने नहीं आता तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से आप लोग उस वीडियो को देख करके टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स और हैशटैग लिखना सीख सकते हो। अब ये लिखना सीख लेने के बाद हम लोग यहाँ से अपलोड करना सीखेंगे कि किस तरीके से आप लोग अपने स्टोरी वीडियो को अपलोड करोगे, जिससे कि आपके अच्छे व्यूज आ सकें। तो यहाँ पे आप लोग सबसे ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे मैंने टाइटल को रेडी करके रखा है, एक गरीब पिता की कहानी, मोरल स्टोरी, इमोशनल स्टोरी, जो कि ये मेरे स्टोरी वीडियो का टाइटल है। तो सबसे पहले इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अब हम लोग चलेंगे वीडियो को अपलोड करने की प्रोसेस की तरफ। तो वीडियो अपलोड करने के लिए आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप लोग क्या गलती करते हो, आप लोग अपने YouTube एप्लीकेशन के थ्रू वीडियो को अपलोड करते हो, जिससे कि आपको वहां पे सारा ऑप्शंस नहीं दिखता और आप लोग वहां पे कभी डिस्क्रिप्शन छोड़ देते हो, कभी टैग्स छोड़ देते हो, तो कभी हैशटैग लिखना छोड़ देते हो। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर से अपने वीडियो को अपलोड करना है। तो क्रोम ब्राउजर यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया और सिंपली आपको यहाँ सर्च बार पे टाइप करना है studio.youtube.com, मीनिंग सही से आप लोग यहाँ पे देख लो और आपको यही लिखना और सिंपली सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करोगे आपके सामने एक नया पेज कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक डेमो चैनल लिया क्योंकि जो मेरा चैनल है वो टेक रिलेटेड है, तो यहाँ पे मैं अपने टेक रिलेटेड पे स्टोरी अपलोड नहीं कर सकता, तो मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पे मैंने एक डेमो चैनल ले लिया है। तो जब आप यहाँ पे ओपन होकर के आओगे तो कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस दिखेगा। तो सिंपली आप यहाँ पे इस पेज को जब जूम करोगे तो ऊपर कोने में आपको यहाँ पे देख सकते हो अपलोड का ये बटन दिख जाता है, ये वाला। तो सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का एक नया इंटरफेस खोल करके आएगा। मैं यहाँ पे पेज को छोटा करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है सेलेक्ट फाइल्स। तो सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपसे अलाउ करने के लिए बोलेगा, सिंपली आपको अलाउ कर देना है। जैसे ही अलाउ करोगे आपका फाइल मैनेजर नीचे दिख जाएगा, तो सिंपली उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने आपका गैलरी यहाँ पे ओपन हो जाएगा और आप जो भी आपका स्टोरी वीडियो है यहाँ पे खोज लेना और सिंपली उस स्टोरी वीडियो पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए चलो, जैसे कि मेरा ये है, मान लो कि यही मेरे स्टोरी वीडियो है, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इस पेज को मैं यहाँ पे छोटा कर देता हूँ तो नीचे कोने में आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ आ जाएगा आपको यहाँ पे अपलोडिंग। यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हो अपलोड हमारा वीडियो यहाँ पे हो रहा है। तो जब तक ये अपलोड हो रहा है तब तक हम लोग यहाँ पे अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स और हैशटैग को लिखेंगे, वो भी प्रॉपर तरीके से, ताकि आपका वीडियो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जा सके और आपके वीडियो पे अच्छे व्यूज आ सके। तो सिंपली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो फर्स्ट बॉक्स है यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है टाइटल रिक्वायर्ड। तो सिंपली आपको यहाँ पे अपना टाइटल लिखना है। तो जो हम लोगों ने अभी टाइटल को कॉपी किया था, सिंपली आपको यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आप देखो, जो चीज मैंने नोटपैड में लिख करके रखा था सिंपली वही चीज मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे अब आपका दूसरा बॉक्स आ जाता है डिस्क्रिप्शन का। क्लियरली यहाँ पे मेंशन है डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ध्यान से देखो, मैं बिल्कुल ही आराम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वही चीज लिखना है जो चीज आपने यहाँ पे टाइटल में लिखा था। तो सिंपली हम लोग यहाँ से फिर से इसको पेस्ट कर देंगे। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरा टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों अभी यहाँ पे सेम है। अब वापस हमको चलना है अपने नोटपैड में, ठीक है, यहाँ पे।
आने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इंस्पायरेशनल स्टोरी इन हिंदी, यहाँ पे मैं मार्क जो लगा रहा हूँ ये हमारा कीवर्ड्स है, ठीक है। इस तरीके से लोग यूट्यूब पे लिख करके स्टोरीज को सर्च करते हैं। कोई अगर आपने इंस्पायरेशनल स्टोरी बनाया या फिर मोरल स्टोरी बनाया या फिर हॉरर स्टोरी बनाया, तो लोगों को अगर देखना होता है सर्च करते हैं यही सब कीवर्ड्स डाल करके, तो वो सारे कीवर्ड्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होना चाहिए, तो आपका वीडियो लोगों को सजेस्ट करेगा, ठीक है, जिससे कि व्यूज आने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो सिंपली यहाँ पे जो मैंने डिस्क्रिप्शन रेडी किया इस तरीके से, मैं इसको इस तरीके से कॉपी कर लेता हूँ, आपको भी इसी तरीके से सेम टू सेम कॉपी कर लेना है। और उसके नीचे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने हैशटैग भी लगाया, ठीक है। तो जब भी आप लोग हैशटैग डालते हो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने बहुत लोगों के चैनल्स को एनालाइज किया है कि वो वहां पे कम से कम 20, 30, 50 हैशटैग डाल देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप इतना ज्यादा हैशटैग लगाते हो तो आपका वो स्पैमिंग में चला जाता है, यूट्यूब आपके चैनल को कभी भी टर्मिनेट कर देगा, शैडो बैन कर देगा। तो ज्यादा हैशटैग आप लोग मत यूज किया कीजिए, कम से कम 3 से 5 हैशटैग ही आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना है, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो सिंपली इसको यहाँ से इस तरीके से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद वापस चलेंगे हम लोग अपने क्रोम में, और यहाँ पे हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो सिंपली यहाँ पे हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग को टच करना है और इस कर्सर को आपको इस तरीके से नीचे ले आना है। आप लोग देख सकते हो कर्सर मेरा कहाँ पे ये ब्लिंक कर रहा है, आपको भी इसी तरीके से नीचे लाना है। इतना नीचे ले आने के बाद सिंपली आप लोगों ने जो अभी डिस्क्रिप्शन को कॉपी किया था उसको यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो टाइटल और डिस्क्रिप्शन के बीच में यहाँ जो एक कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स के बीच में कितनी गैप है, स्पेस है, आपको भी प्रॉपर इसी तरीके से लिखना है। और यहाँ पे मैं आपको और नीचे लेकर के चलता हूँ, तो देख सकते हो हमारा कीवर्ड्स यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। यहाँ पे खत्म होने के बाद यहाँ से नीचे से हमारा यहाँ पे हैशटैग स्टार्ट होता है। तो कीवर्ड्स और हैशटैग के बीच में भी आपको एक गैप देना है, स्पेस देना है कुछ इस तरीके से, जैसा कि मैंने यहाँ पे दे रखा है। और इतना करने के बाद यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन भी सही तरीके से रेडी हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं थंबनेल। तो अगर आप लोगों ने थंबनेल रेडी करके रखा है और या फिर आपको थंबनेल बनाने नहीं आता है स्टोरी वीडियो का, तो उसपे भी मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और यहाँ आई बटन पे भी मैं लगा दूंगा। तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग भी थंबनेल बनाना सीख सकते हो। तो अगर आप लोग यहाँ पे थंबनेल अपलोड करना चाहते हो, सिंपली आपको यहाँ अपलोड थंबनेल पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपका गैलरी ओपन हो जाएगा और वहां से आप लोग अपने थंबनेल को सिलेक्ट कर देना। फिलहाल यहाँ पे मैं नहीं अपलोड कर पाऊंगा क्योंकि ये मेरा डेमो चैनल है और इस पे मैंने अपना फोन नंबर वेरीफाई नहीं किया है, तो फोन नंबर आपको वेरीफाई करना होता है तभी आप लोग थंबनेल यूज कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं इसको स्किप कर देता हूँ, सिंपली मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब हमारा यहाँ पे रह जाता है टैग्स। तो टैग्स को लगाने के लिए फिर से आपको यहाँ पे नोटपैड में आना। नोटपैड के आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये चीज जो लिख रखा है यहाँ से यहाँ तक नीचे तक ये हमारा टैग्स है। आपको पता कैसे चलेगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इंस्पायरेशनल स्टोरी इन हिंदी, उसके बाद मैंने कॉमा लगा रखा है, फिर एक चीज मैंने लिखा है इंस्पायरेशनल स्टोरीज इन हिंदी, उसके बाद कॉमा लगा रखा है। तो टैग्स को ऐसे कॉमा लगा लगा करके लिखा जाता है। जब भी मैं चैनल चेकआउट करता हूँ तो ये टैग्स वाला आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाला आप लोग टैग्स में लिख देते हो, जिस वजह से आपका वीडियो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में नहीं जाता और आपके व्यूज नहीं आते हैं। तो सिंपली यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, टैग्स को कॉपी करने के बाद वापस आपको क्रोम ब्राउजर में आ जाना है, और यहाँ पे आप लोग जब जूम करोगे पेज को तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, देख सकते हो शो मोर, ठीक है। तो सिंपली आपको शो मोर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपका यहाँ पे नीचे और पेज खोल करके आएगा, तो इस तरीके से आपको स्क्रॉल डाउन करना है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा टैग्स, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो ये जो एड टैग्स वाला बॉक्स है इस पे आपको क्लिक करना है, और जो आपने टैग्स को कॉपी किया था सिंपली यहाँ पे आपको इस तरीके से पेस्ट कर देना है। जैसे ही मैंने पेस्ट करा देख सकते हो हमारा सारा टैग्स यहाँ पे लग चुका है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आता है आपका कैटेगरी, कि आपका स्टोरी वीडियो किस कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे हम लोग कैटेगरी को भी सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे देख सकते हो नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे कैटेगरी का भी बॉक्स दिख जाता है। तो यहाँ पे पीपल एंड ब्लॉग सिलेक्टेड है, तो सिंपली आपको ये पीपल एंड ब्लॉग्स पे क्लिक करना और आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना इंटरटेनमेंट। आप लोग स्टोरी वीडियोस बना रहे हो, इंटरटेनमेंट सेलेक्ट करना, या फिर आप एजुकेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इंटरटेनमेंट ही सेलेक्ट करना है क्योंकि इस पे रीच ज्यादा है, व्यूज ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आपको इंटरटेनमेंट का ऑप्शन दिख जाता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पे सही तरीके से टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, हैशटैग वगैरह सब कुछ लगा दिया, तो सिंपली आपको यहाँ पे कोने में देख सकते हो तो आपको ऑप्शन दिख जाएगा नेक्स्ट का, ये वाला यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सिंपली आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि ये वीडियो किड्स के लिए है या फिर नॉट फॉर किड्स। तो अगर आप लोग स्टोरी वीडियोस बना रहे हो तो सिंपली आपको यहाँ पे टिक लगा देना नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। इतना करने के बाद सिंपली आपको यहाँ कोने में ये नेक्स्ट का ये बटन दिख रहा है, इस नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे कोने में आप लोग नीचे ध्यान से देखो, नेक्स्ट का बटन है, सिंपली इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है और फिर से यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने यहाँ पे तीन ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, देख सकते हो, प्राइवेट, अनलिस्टेड और पब्लिक। तो सिंपली आपको अनलिस्टेड में टिक लगाना है और टिक लगाने के बाद सिंपली कोने में यहाँ पे नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पे सेव का बटन दिखेगा, तो सिंपली आपको यहाँ सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव पे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का एक नया इंटरफेस आएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो सिंपली आपको यहाँ क्लोज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लोज पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका वीडियो यहाँ पे जो आपने अपलोड किया वो शो नहीं होगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हो ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये वाला, यहाँ पे मैंने मार्क लगा दिया, ध्यान से आप लोग देख लेना। सिंपली इसी मार्क पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपने जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रखे होंगे आपको यहाँ पे सारा वीडियो दिख जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने अभी यही वाला वीडियो अपलोड किया था, एक गरीब पिता की कहानी, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वीडियो आपका यहाँ पे दिख गया। अब आपने इसको अनलिस्टेड में अपलोड किया था, तो अनलिस्टेड में अपलोड किया था वो इसलिए क्योंकि ये वीडियो अगर HD क्वालिटी में कन्वर्ट हो रहा होगा या फिर प्रोसेसिंग पे जा रहा होगा तो उसको पहले होने देना है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये यहाँ पे लिखा हुआ है इमोशनल स्टोरी, इंस्पायरेशनल स्टोरी, ध्यान से देखो यहीं पे आपका लिखाते रहेगा प्रोसेसिंग टू HD या फिर कुछ परसेंटेज बढ़ते रहेगा, तो वो सब कुछ आपको हो जाने देना है। और जब आपका कम्प्लीटली हो जाए तो सिंपली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है अनलिस्टेड। इस पेज को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है ये अनलिस्टेड, ये वाला। तो सिंपली आपको यहाँ अनलिस्टेड पे क्लिक करना है तो आपको फिर से तीनों ऑप्शन आ जाएगा, प्राइवेट, अनलिस्टेड और पब्लिक। तो सिंपली आपको यहाँ पे पब्लिक पे सिलेक्ट करना है और सिंपली आपको यहाँ नीचे पब्लिश का ये बटन दिख जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपका वीडियो यहाँ पे पब्लिक हो जाएगा और ये यूट्यूब पे चला जाएगा। तो ये होता है सही तरीका किसी भी वीडियो को अपलोड करने का, ठीक है। इस तरीके से अगर आप अपलोड करते हो तो आपका वीडियो वहां सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में चला जाएगा और आपके वीडियोस पे व्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे, अगर आपने इस प्रोसेस को फॉलो किया, सही तरीके से वीडियोस को अपलोड करते हो तो। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, नॉलेजबल रहा होगा और आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।